रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा इंद्रप्रस्थ फेज टू अब प्रशासन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यह योजना आज 5 साल बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही कोरोना काल में हितग्राहियों को कीमत बढ़ोतरी से जूझना भी पड़ रहा है, जिससे हितग्राही अवैध बता रहे हैं। पूरे मामले को लेकर हितग्राही अब लामबंद दिख रहे हैं। जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन व साथ ही साथ खुदकुशी की चेतावनी दी है। रायपुर स्थित इंद्रप्रस्थ फेज टू में आज हजारों हितग्राही आईडीए की लापरवाही के विरोध में भारी हंगामा करते दिखे। इस दौरान आईडीए के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव उपस्थित थे। उन्होंने हितग्राहियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि हम शासन प्रशासन से हितग्राहियों की मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे। हितग्राहियों को न्याय दिलाने की जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। तमाम हितग्राहियों के ऊपर में जो अतिरिक्त राशि, जैसा कि चंद्रशेखर जी ने बताया कि अतिरिक्त राशि की लागत बढ़ गई है, मूल्य बढ़ गए हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस योजना का जो मूल स्वरूप था कि जिन परिवारों के सिर पर छत नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी, उनको हम उस श्रेणी में रखकर इस आवास का लाभ दें। लेकिन लगता है कि अब आरडीए जो है वो उस दिशा से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है और जो लागत लग रही, हो सकता है लागत बढ़ी हो, लेकिन इसका भार हितग्राहियों पर नहीं पड़ना चाहिए। आंदोलन के दौरान हितग्राहियों का कहना था कि पिछले लंबे समय से हम ईएमआई के साथ साथ किराया पटा रहे हैं, इस तरह से हम दोहरी मार झेल रहे हैं। अब आरडीए द्वारा राशि बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, जो हम लोगों को भी बहुत गंभीर समस्या में डाल रही है। शासन प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो हम उग्र आंदोलन की ओर रुख करेंगे। साथ ही साथ अगर हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ा तो भी हम उठाएंगे। हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं। आज इनको दिसंबर 2019 में देना था फ्लैट, लेकिन अब जो है 2 साल और लेट हो गया है और ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से बनी नहीं हुई है। और अब जो हमको आखिरी किस्त के लेटर दे रहे हैं उसमें करीब 1.5 से 2 लाख रुपये का अतिभार हमारे ऊपर जा रहा है, जो कोई भी हितग्राही देने की स्थिति में नहीं है। आरडीए जाते हैं तो ढंग से बात नहीं करते हैं हम लोग से, आ जाना कल आना ऐसे बोलते हैं। और जीएसटी का तो पैसा हम लोग पूरा पटा चुके हैं और जो हमारे जिस स्थिति में है उस स्थिति के हिसाब से हमने फ्लैट बुक कराया था, अब 2 लाख 2.5 लाख एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो हम लोग लोन का पैसा पटाए कि किराए का पैसा पटाए कि बच्चों के परवरिश के लिए आगे खर्च के लिए। TCP 24 न्यूज़ के लिए नितिन नामदेव की रिपोर्ट। TCP 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।